तो अभी ठंड सेम है यहाँ पर, 7 डिग्रीज़ है, क्लाउडी वेदर है अगेन। मज़े की बात ये हो गई कि मैंने ये जो मैंने कल रात को भी कहा था कि मैंने कैमोफ्लेज मिलिट्री जैकेट पहना है, तो मुझे एक थोड़ा कॉमेडी सीन हो गया मेरे। तो दोस्तों मैं हूँ बोगोरोडित्से-रोज़देत्स्की मोनेस्ट्री में, जहाँ पे बहुत ही सुकून है। मैं अभी खा रहा हूँ ये बन विथ चीज़। सो दोस्तों एक्चुअली कल रात को मैं जब हॉस्टल पहुंचा तभी फटाफट चेक इन किया। वोज़्दू हॉस्टल काफ़ी अच्छा है एंड कंपेयर टू मेरा जो सेंट पीटर्सबर्ग का हॉस्टल था उससे तो कई गुना अच्छा है। मैं ये हॉस्टल टूर ज़रूर बताऊंगा। और फ़िलहाल मुझे रेडी होना है। बात ये हुई कि रात को हॉस्टल का जब रूम बता नहीं पाया बिकॉज़ वहाँ पर एक्चुअली 6 बेड का डॉर्म है मेरा और वहाँ पर ऑलरेडी लोग सो रहे थे। मैं 12 बजे चेक इन किया रात को मिडनाइट और सब लोग सो रहे थे। अंदर लाइट बंद थी। हम लोग मैं मतलब जो पे रिसेप्शनिस्ट थी यहाँ पे जो कि रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने मुझे मोबाइल का टॉर्च ऑन करके बता दिया कि ये 2 बेड्स अवेलेबल है, आप कौन सा भी ले सकते हैं। तो अभी ठंड सेम है यहाँ पर, 7 डिग्रीज़ है, क्लाउडी वेदर है अगेन। मज़े की बात ये हो गई कि मैंने कल रात को भी कहा था कि मैंने कैमोफ्लेज मिलिट्री जैकेट पहना है, तो मुझे एक थोड़ा कॉमेडी सीन हो गया मेरे साथ कि जब मैं एंटर किया मेरा रूम तो वहाँ पर मुझे दिखाई दिए सारे जैकेट्स। यहाँ पर मिलिट्री आर्मी के मतलब डिफेंस में जो रहते हैं वो लोग के यूनिफॉर्म्स रखे हुए थे। शूज़ भी ब्लैक कलर के शूज़ थे जो पूरे के पूरे चमक रहे थे, एकदम पॉलिश किया था उनको, एकदम हाई पॉलिश शाइन कर रहे थे। एंड मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब ना करूँ, नहीं तो फिर मुझे ही कुछ पनिशमेंट कर देंगे वो लोग। बट ऐसा लग रहा है कि मैं भी उनका ही एक हिस्सा हूँ तो एक अलग कॉमेडी सीन लग रहा था मुझे। मतलब मैं तो ट्रैवलर हूँ बट वो लोग शायद से वो लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग चालू है उन लोग की, ऐसे कुछ रहेगा शायद से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हूँ वोज़्दू हॉस्टल में। आपको मेरा अपना रूम दिखाना चाहता हूँ। मेरा रूम 6 बेड डॉर्म है। आप ये 360 व्यू आप देख सकते हो। मैंने इंस्टा 360 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इंस्टा 360 से। तो ये है मेरा बेड, एक्चुअली यहाँ पर मैं सो रहा हूँ और बाकी बेड पे ये एक खाली बेड है, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जितने भी बाकी के बेड्स है यहाँ पर बाकी मिलिट्री मतलब ये कुछ डिफेंस वाले हैं, मिलिट्री या आर्मी का ट्रेनिंग लेने वाले जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो लोग यहाँ पर रह रहे और उनका बाकी सब पूरा सामान उनका ही है। मेरा सिर्फ ये बेड पे जितना सामान दिख रहा है वो ही है। और ये मेरी लॉन्ड्री है, मैं अभी लॉन्ड्री में देने वाला हूँ। यहाँ पर लॉन्ड्री 200 रूबल्स है और जहाँ पे मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रुक रहा था वहाँ पर 250 रूबल्स था क्यूबा हॉस्टल में। और सबसे सस्ता विनेग्रेट हॉस्टल ही था। विनेग्रेट हॉस्टल मॉस्को में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रूबल्स है। तो मैंने 100 रूबल्स वो टाइम पे स्पेंड कर लेने चाहिए थे, मेरे 100 रूबल्स बच जाते थे। और मेरा यहाँ पर मैंने लगेज रख दिया यहाँ पर। और ये मेरे कुछ जैकेट्स है यहाँ पर हैंग किए हुए और बॉटल। तो अभी मैं पूरा रेडी हूँ। मैंने पूरा अपना काम, सुबह के कार्यक्रम वगैरह सब जो रहता है वो सब कर लिया है। और यहाँ पर कुछ व्यू नहीं है देखने लायक। ये एक छोटी सी गली में है ये हॉस्टल, तो काफ़ी कुछ व्यू खास नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग व्यू नहीं है। बट यस, क्लीनलीनेस है, काफ़ी अच्छा क्लीन है। बट यहाँ पर मैं अकेला एक इंडियन रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई और इंग्लिश नहीं जानता। जो भी हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग से मैंने पूछा कि मैम साहब ये लॉन्ड्री में मैं क्या करूं, मैं मशीन में कपड़े डाल दूं? तो वो बोले कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इतना ही आता है उनको इंग्लिश, दैट्स इट। मैं एक्चुअली ट्रांसलेशन ऐप रेडी रखा था मैंने, मतलब क्या बोलना है वो। तो चलो इतना सा ये रूम टूर है वोज़्दू हॉस्टल। और बाहर का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर ये किचन है एक्चुअली, यहाँ पर हम लोग कुक कर सकते हैं, चार है। और यहाँ पर डिश वॉश करके रख सकते हैं, नाइफ्स, फोक्स, स्पून सब अवेलेबल है, फ़िल्टर वाटर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक किचन है जहाँ पर यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कप है, मग है, माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पर गैस भी है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग कुछ भी बाहर से यहाँ पे कुछ भी बाहर से लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे गर्म करके खा सकते हैं। फ़िल्टर वाटर भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक फ्रिज है जहाँ पर सबने अपना अपना सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, 37 मिनट्स बाकी है। और यहाँ पे कुछ टी है, कॉफ़ी, ये हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एकदम कैफ़े जैसा माहौल किया हुआ है, अच्छा खासा टीवी है, पब्लिक टीवी देख रही है और वहाँ पे सिटिंग एरिया है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये शॉवर है और कॉमोड है ऐसे, ये बाथरूम है, काफ़ी स्पेशियस है कंपेयर टू मेरे पुराने जो हॉस्टल्स थे उससे काफ़ी अच्छे है। एक बात की प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जेट स्प्रे अभी तक कोई भी हॉस्टल में मुझे मिला नहीं, ना ही मॉस्को में, ना ही सेंट पीटर्सबर्ग में, ना ही व्लादिमीर में। तो बहुत दिक्कत हो रही है सुबह का कार्यक्रम करने के लिए, सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ रहा है। और अभी मुझे जाना है एक मार्केट में मुझे सबसे पहले लेकर आनी है कोल्ड क्रीम, जो कि होठ काफ़ी फट चुके हैं और 8 दिन से मैं उसी को लेकर शूट कर रहा हूँ और बहुत ही गंदे फुटेजेस आते रहेंगे। तो सबसे पहले जाके कोल्ड क्रीम लेके थोड़ा हुलिया अच्छा बना लेता हूँ। बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे है सब। नाश्ता तो मैंने कर लिया है, मतलब ड्राई फ्रूट्स खा लिए और अभी कॉफ़ी पी लूँगा थोड़ी देर में, जब तक कपड़े धुल ना जाए। तो इतना सही है, ऐसा छोटा सा हॉस्टल है। 3 रूम्स है, मिक्स्ड बेड्स भी है और बीच में एक रूम है। और ये मेरा रूम है लेफ़्ट हैंड साइड में। रिसेप्शनिस्ट उनको इंग्लिश नहीं आता है तो ट्रांसलेशन ऐप करके ही कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग। अभी देखते हैं, मेरे कपड़े धुलने के बाद में यहाँ पे मैं रख देता हूँ और मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो वोज़्दू व्लादिमीर का कुछ इस तरह से मेरा रहने का लाइफस्टाइल है। दोस्तों, एक प्रोडक्ट तो लेकर हो गया है। ये शॉप है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये शॉप है जहाँ पर मुझे ये क्रीम मिल गई है। इट इज़ आर्किटेक्ट डेविडोफ की जो क्रीम है यहाँ पर 299 रुपीज़ की है। मुझे जहाँ पर वो मोहतरमा बता रही थी कि 4000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ इतने महंगे थे, तो मुझे ऐसे शॉप में भी, मतलब जहाँ पर एक्सपेंसिव होता है प्रोडक्ट्स, वहाँ पर मैंने 299 रुपीज़ का बताया। और दिस इज़ डन, मैंने खर्चा कर लिया। अब मुझे देखना है वेयर कैन आई फाइंड मिल्क एंड सैंडविचेस, यहाँ पर देखना पड़ेगा। एंड यहाँ से ही एग्ज़िट है कि नहीं देखना पड़ेगा। ओके, हाँ, यहाँ से जा रहे लोग। तो मुझे क्रीम लेने के टाइम पे बहुत अच्छा लगा कि लाइक सुकून मिला। अभी जस्ट द थिंग इज़ कि डेविडोफ का क्रीम मिल गया है। डेविडोफ नाम तो मुझे पता था, बट आर्किटेक्ट डेविडोफ लिखा है उसमें, आर्किटेक्ट डेविडोफ फॉर मेन। अच्छे से बता देता हूँ, ये क्रीम अवेलेबल है फॉर ऑल इन वन। ऑल इन वन मीन्स क्रीम इन ऑल इन वन मीन्स सब तरह के स्किन्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपको। तो मेरा एक काम तो हो गया है, मॉल में जाके एक अच्छी सी क्रीम उठा के लेकर आया हूँ जो कि रीज़नेबल है। यहाँ पे 300 रूबल में मिल रहा है और वहाँ पर येलो टैग था, मतलब उसके ऊपर डिस्काउंट था। असली रेट जो था मैंने देखना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे जो दिखा मेरे बजट में जो बिठा वो मैंने उठा लिया है। अभी मुझे देखना है कि यहाँ पर मलोको मीन्स मिल्क, मलोको कहाँ मिलेगा। एक नॉर्मल सा ग्रोसरी शॉप ढूंढ रहा हूँ मैं, जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के अपने सैंडविचेस मिलते हैं, सामान मिल जाता है। यहाँ पे स्पेक्स का दुकान है, चश्मा का दुकान है यहाँ पर। और अभी मैं चलते चलते मेन रोड पे आ गया। ये एक्चुअली शॉर्टकट था, कल मुझे ये शॉर्टकट नहीं दिखा था, कल मुझे पूरा घुमा के बता के लेकर आया था। और ये है व्लादिमीर। दोस्तों स्वागत है आप सबका अच्छे से एक छोटे से टाउन का। ये सिटी को छोटा मत समझिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप रास्ते देख सकते हो, यहाँ पर भी ट्राम अवेलेबल है, बस आपके पास कैश होनी चाहिए। 7 नंबर की ट्राम दिख रही है मुझे, ट्राम नहीं बोल सकते, वो इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसेस है, जो कि एक ही केबिन रहता है। बट मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, मैं पहले ले लेता हूँ एक मिल्क का पैकेट और क्या कहते हैं अपना मिल्क का पैकेट और सैंडविचेस लेने थे मुझे। 2 सैंडविचेस लेके रख देता हूँ फ्रिज में, अदरवाइज़ मैं भूखा मर जाऊँगा भाई। दोस्तों यहाँ पे मोलों को फाइंड करना, ढूंढना, मतलब दूध ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और मैं फिर से ये मॉल में नहीं जाना चाहता, मैं आगे देख लेता हूँ कहाँ पर मुझे दूध कहाँ पर मिलेगा। सुबह एटलीस्ट कॉफ़ी, पोरेज या कॉर्नफ्लेक्स ऐसे कुछ खा के निकल सकता हूँ एटलीस्ट कल और परसों के लिए। आज बाय द वे 25 सितंबर है 2021 एंड क्लाइमेट है 7 डिग्रीज़ इन व्लादिमीर। और काफ़ी अच्छा दिन जा रहा है वैसे। बाय द वे आप वाइब्स देख सकते हो, यहाँ पे क्राउड बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है व्लादिमीर का। और यहाँ पर कोई भी मॉल में चले जाओ, आपकी कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर भी लोग काफ़ी साइलेंट है, अगर मैं थोड़ा भी बात कर रहा हूँ कैमरा पे तो लोग पलट पलट के देख रहे हैं, ये भाई कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, क्या कर रहा है। बोगोरोडित्से रोजदेत्स्की मोनेस्ट्री में, जहाँ पे बहुत ही सुकून है। मैं अभी खा रहा हूँ ये बन विथ चीज़। एक्चुअली मैं आया था यहाँ पर कुछ 5-10 मिनट पहले आया और आपको टाइम लैप्स दिखा दिया। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ये मोनेस्ट्री के बारे में कुछ कहा जाता है कि ये 1191 में बंधी गई है। सेवोलोड III जो कि ग्रैंड ड्यूक रह चुके हैं व्लादिमीर, सुजदाल और काइव के, तो ये 3 शहरों के, काइव जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, पहले ये रशिया में हुआ करता था। एंड ये मैं बता देता हूँ कि आज मुझे पता चला कि यहाँ पर ज़ेवोलोड जो है उनको ग्रैंड नेस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि उनके 12 सुपुत्र थे, मतलब 12 बच्चे थे। और हर एक में अनबन होती रहती थी, मतलब झगड़े हुआ करते थे। यहाँ पे सेंट अलेक्जेंडर नेव्स्की जो है उनका जन्म हुआ था 1920 में और उनकी मृत्यु हो गई 1963 में। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी जो क्रिया की थी, दफनाया था, यहीं पर दफनाया था। और उनकी एक ख़ास बात है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में जो नेवा नदी है, जो मैंने आपको बताया था कि सेंट आइजैक्स कैथेड्रल से ऊपर से नेवा नदी दिखती है, जो कि पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस के बाजू से गुजरती है। नेवा रिवर के ऊपर एक युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर नेव्स्की का, उनमें बहुत उस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो वहाँ से फेमस हुए काफ़ी। और मतलब उन जब मृत्यु हो गया तो यहाँ पर व्लादिमीर में बोगोरोदित्स के यह मोनेस्ट्री जो है यहाँ पर उनको दफनाया गया था दोस्तों। और एक बात है कि एम्परर वन जो थे उन्होंने 1721 में यहाँ आ गए और मतलब यहाँ से बोगोरोदित्स से मोनेस्ट्री से सेंट अलेक्जेंडर नेव्स्की के जो अस्थियाँ है वो उन्होंने शिफ्ट कर लिए, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में अभी उनकी अस्थियाँ है। मेन बात यही है कि यहाँ पे जो ज़ेवोलोड थे 1191 में उनके 12 बच्चे हुआ करते थे। 12 बच्चों में हमेशा युद्ध हुआ करता था, मतलब कुछ ना कुछ अनबन रहती थी, सब लोग हर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और इसी के कारण यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ता चला गया और यूक्रेन वगैरह सब अलग हो गया। तो ये बोगोरोदित्स से जो मोनेस्ट्री है ये रशिया का सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आना ज़रूरी समझा। मैं देखना चाहता था कि यहाँ का मोनेस्ट्री कैसे है, तो यहाँ पे बहुत सारा मोनेस्ट्री का ओल्ड स्ट्रक्चर भी है, न्यू स्ट्रक्चर भी है। जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये काफ़ी नई पेंट की हुई लग रही है, वाइट एकदम दिख रही है। और ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में जो है ये थोड़ी बहुत पुरानी लग रही है, बट इसको ऐसे ही रखने की कोशिश की गई है। ये मैंने कुछ एक नाश्ते के लिए लिया है यहाँ पर, बाय द वे लंच टाइम हो गया है, बट ये मैं खा रहा हूँ अभी कुछ वड़ा पाव जैसे चीज़ है, अंदर पोटैटो है और बन के अंदर पोटैटो है, मतलब ये वड़ा पाव जैसे ही हो गया, रशियन वड़ा पाव जिंदाबाद फ़िलहाल के लिए। 30 रूबल्स का पड़ा एक मुझे। और जो दूसरा पहले मैंने एक आइटम लिया था वो चीज़ था, चीज़ विद बन, तो वो काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे चीज़ बहुत अलग ही है, चीज़ बहुत ही अलग ही टेस्ट है यहाँ पर, बहुत यम्मी है। मतलब अगर आपको चीज़ पसंद है ना, चीज़ आइटम बिना सोचे समझे ले लीजिए। यहाँ पर चीज़ आइटम्स, चीज़ विद बन या क्रोजॉन, वो जो भी आप लेना चाहते हो, रशिया में बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। मेरे सामने ये वाइट टी शर्ट में, वाइट जैकेट में ये जो बंदा है ये है खरोशो, सॉरी साशा, ये साशा। ओके, इज साशा एंड इज यारोस्लाव। तो ये दो मेरे नए मित्र है एंड दे आर वेरी ग्रेट इन साइकिलिंग। दे डू व्हीलीज एंड स्टॉपीज एंड हॉप ऑन्स ऑन साइकिल्स। He is doing yeah. Oh wow, wow, wow. That's great. That's great. That was nice. Okay. Wow. इन लोग के साइकिल्स बड़े ही नेक्स्ट लेवल के हैं दोस्तों। See you. Bye bye. До свидания. काफ़ी अच्छा लगा, इन लोग साइकिलिस्ट हैं, बहुत ही एडवांस लेवल की साइकिलिंग करते हैं। मैं इतना एडवांस नहीं करता भाई, मुझे थोड़ा बहुत विली स्टंट्स आता है, स्टॉपी आता है, और ये लोग तो भाई माशाल्लाह, ये लोग दिन रात ये साइकिलिंग करते हैं। इन लोग दोनों का मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो किया इन लोग को। जो साशा था, जो बंदा मेरे साथ अभी, जो साशा बंदा है वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, और दूसरा बंदा जो यारोस्लाव था वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स है दोनों और साइकिलिंग के फ्रेंड्स है। जैसे हम लोग इंडिया में राइड करके राइडिंग फ्रेंड्स बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट राइड्स वगैरह करते हैं हम लोग, उसी तरह ये लोग साइकिलिंग के लिए एक साथ मिलते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल पे, और मैंने अभी थोड़ा क्विट कर लिया है आज, मतलब आज का दिन मैं एंड कर रहा हूँ ड्यू टू बैड वेदर। आई मीन थोड़ा बहुत रेन चलता है, बादल है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, बट मैं पिछले 3 घंटे से घूम रहा हूँ और सर्द लग रही है। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मुझे अपना हॉस्टल में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है, एक डेढ़ दिन काफ़ी है ये सिटी घूमने के लिए। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो है वो काफ़ी है डेढ़ दिन के लिए। और अभी मैं सोचूंगा आज रात को कुछ कवर करना चाहूँगा, तो मुझे कुछ एक्चुअली खाना पीना भी है, बट मैं देखता हूँ उधर कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं खा लेता हूँ कुछ। और एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही रखता हूँ और व्लादिमीर से अलविदा कहता हूँ आप सबको। एंड रास्ता क्रॉस करने के टाइम पे भी बिंदास मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। आपको लगेगा कि मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ और मैं कैमरा हाथ में पकड़ के, मेरा ध्यान रहता है हर तरफ, मैं कैमरा की तरफ कम देखता हूँ वो टाइम पे, क्योंकि मुझे ये एंजॉय करना है। मैंने कुछ देख लिया तो मुझे मेरे काम का चीज़ लगा तो मैं देखते रहता हूँ आसपास। तो अलविदा कहता हूँ दोस्तों, व्लादिमीर से वॉन्डरर अजिंक्य अलविदा लेते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दस विदानिया, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम इन अनदर ब्लॉग। बाकी सब बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया है।